आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में से कौन संसद के तीनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है। देखिए, वो जो व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है परंतु फिर भी वो बैठक में शामिल हो सकता है, वो है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी जिसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी है जिसे अपने भारत सरकार का या केंद्र सरकार का वकील भी कहते हैं, भारत सरकार का वकील, ठीक है, महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अटॉर्नी जनरल। इसका क्या कार्य होता है? यह भारत सरकार का वकील होता है और इसे सभी बैठकों में शामिल होने का पूर्ण अधिकार है, सभी बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है, भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। और यह क्या होता है? यह सरकार का वकील होता है। तो अपने प्रश्न का तो सही उत्तर हो जाएगा भारत का न्यायवादी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अपने को दे रखा है। देखिए, भारत का महासोलिसिटर यह क्या होता है? यह कानून विशेषज्ञ होता है, कानून विशेषज्ञ जिसे कानून की बहुत अच्छी समझ होती है, कानून विशेषज्ञ। भारत का उपराष्ट्रपति यह क्या होता है? यह राज्यसभा का सभापति होते हैं, राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति होता है, सभापति। और फिर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे अपने CAG भी कहते हैं, जिससे इसका अनुच्छेद 148 है। यह भारत सरकार के सभी जो खर्चों का लेखा प्रशिक्षण करता है, लेखा की जांच करता है, वो करता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो अपने क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।